बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने राजस्थान के उदयपुर में जो भाषण दो वो अपने आप में चर्चा को विषय बन गए है। कई सारे संतों के बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने ऐसो का कह दो कि पूरे राजस्थान में उनकी चर्चा हो रही। सुनो जरा। कैसे हो? बहुत देर से बैठे, हमने सुना है। कुछ नहीं, अपने पूर्वज भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज मेवाड़ की पावन धरामुख और मंच पर विराजमान सर्वत्र प्रणाम करते हैं। हमारे दाएं भाग में कहते हैं जिसका बड़ा भाई होता है उसके सिर का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता। बड़ा भाई ऐसा हो जो आयु में भी बड़े, कथाओं में भी बड़े दिनों से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बड़े और सनातन कार्य में भी बड़े, ऐसा बड़ा भाई जिस भाई को मिल जाए भला उसका कौन बाल वाका कर सकता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के एक ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिनके द्वारा किए गए कार्यों से लाखों युवाओं ने कंठ में तुलसी, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और मुख पर राधे राधे बोलना पड़ेगा ऐसा सीखा, ऐसे आचार्य ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कहते नहीं है बड़ा भाई, ये दिल से मानते हैं मुझे बड़ा भाई। और हाँ, छोटे भाई में और पुत्र में अंतर नहीं होता, और ये कृपा में बहुत ऊपर है, लेकिन याद रख इनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जिन्हें हम नहीं दिखा रहे समझ जाओ दिखा गए, हमें सबको दिखा रहे। साधु जी, साधु सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही रहेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे, ये हरों का देश नहीं है, ये भगवान मनों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाओ तो तुम बुझ दिल हो, तुम डूब मरो, तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावण के किला में, मीरा बाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे, राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे, हम महाराज जी से कहते चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अभी चलो, हम तो तैयार रहते हो। ठाकुर जी भैया हमारे तो वृंदावन से है और तुम्हारे भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपना बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत रटू,
महाराष्ट्र की सड़कों के हम ठटरी बहुत बारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान जहाँ की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहाँ भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती है। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी हाड़ी, राजा हारा हुए तो महारानी हाड़ी हाड़ी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा, धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को, तुम घबराओ मत, युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। हम तुमसे भी प्रार्थना करते अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो जाग जाओ, जो 100 हरे झंडे लगे वहां भगवा लगवाओ। नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता, एक बार लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती करते। ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। वीरता की भूमि राजस्थान वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई किसी की, पटल पर पहुंचाया ऐसी महारानी मीरा की भूमि में। आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले रहे। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा चाहते हो कि छुपके बैठ जाओगे या बुजदिल बन जाओगे या चले जाओगे। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा, बातों में या चमत्कार में या हकीकत में, बार सब में या सच में। केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना कौन अभी, और माताएं भी कम नहीं है, भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता। हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, डरते वो है जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो है कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवान झंडा गड़वा कर मानेंगे। तुम चाहते हो वहां भगवान झंडा गड़े, चाहते हो, ये बात सही है ना, तो काय चुप बैठे कक्का है, हैं? तुम्हें ऊंट बसा रहो का, तो काय चुप बैठे हो, काऊ ने कसम रखी का तुम्हें, कब जागोगे, कब जागोगे, कब जागोगे? अगर कोई विरोध करेगा तो पूछो का,
हम आपको अब जातिवाद में बटना बंद करना पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठाओ सब, रावण के खानदान के मत उठाना। तो रावण वाले ऑटो में कौन आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के वो दोनों हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर निर्वाण की भूमि में उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण का घोषित नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा ही बजा लो अपने हाथों से। अब तो मैंने शपथ खाई भैया हरो, तो मैंने हाथ उठाए कसम खाई, आप ही जानी हो। अरे वो बिगड़ गए हैं ना, तो बब्बा जी ढूंढ ढूंढ पूछ हुआ है। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ गए। समिति से भी कहेंगे अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूं एक सात दिन की बढ़िया राम कथा तो करी जाए। लेकिन कथा कई शर्त पर जब लोगों के भगवान लगवा दो, हमारी शर्त एक ही है, लड़के कछु कहने से हम लोग बुला रहे जैसे हम रावण की बात कर रहे हैं, लड़के चिंता मत करो। आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं, हम ना तो कोई नेता, ना हम कोई पार्टी के लाने जिंदा रहे भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं, हमारी खुद की पार्टी है बजरंग बली की। उसको निशान है गुर्दर, गुर्दर उसका नारा है, जो राम का नहीं वो किसी फॉर यू, और जो कोई जो है राम को नहीं उनकी छतरी। लेकिन आज हम एक बात और बोल रहे हैं, बात जाए कि आज हमको हमारे बड़े भाई ने रस्ते में आते हुए कहा कि भैया अब चिंता मत करो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में एक एक ग्यारह हम दोनों हैं। कौन कौन भैया को साथ कर रहे हैं? पक्का एकलव्य यूनिवर्सिटी द मूव विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।